नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम सभी लोग TGT और PGT चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। और ये प्रैक्टिस सेट एक पूरे मॉडल पेपर की तरह है, 125 प्रश्न इसमें है, जो कि आपके एग्जाम के लिए लाभदायक हो सकता है। तो चलिए आज के इस मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट को हल करते हैं। उम्मीद है अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो आप लाइक ज़रूर करेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर एक, निम्नलिखित में से किस शहर को अंडरग्राउंड पोस्टर के लिए जाना जाता है? आपको बताना है किस शहर को अंडरग्राउंड पोस्टर के लिए जाना जाता है। ऑप्शन है लंदन, बर्लिन, न्यूयॉर्क और वारसा। तो यहाँ पे जितने लोगों ने ऑप्शन ए जवाब दिया बिल्कुल सही है, लंदन। लंदन को अंडरग्राउंड पोस्टर के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर दो, लिनोकट प्रिंट मेकर का काल बताइए। बताइए जो लिनोकट प्रिंट मेकर चित्र प्रसाद हैं उनका जीवन काल क्या है। पहला ऑप्शन है 1915 से लेकर 1978 तक, दूसरा ऑप्शन है 1991 से लेकर 1964 तक, तीसरा ऑप्शन 1902 से 1969 और चौथा ऑप्शन है 1945 से लेकर 1920। सही जवाब ऑप्शन ए होगा, 1915 से लेकर 1978 ईस्वी का कार्यकाल चित्त प्रसाद का है। चित्त प्रसाद लिनोकट प्रिंट मेकर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर तीन, यशोधर पंडित ने काम सूत्र की टीका किस नाम से की है? जयमंगला, रीतमंगला, कलारत्न या शिल्परत्न। सही जवाब ऑप्शन ए होगा, जयमंगला। तो यशोधर पंडित ने कामसूत्र की टीका जयमंगला के नाम से की है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा कहाँ पर स्थित है? बताइए राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा। ऑप्शन है आपके पास नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ। ऑप्शन ए सही होगा, नई दिल्ली। तो राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है, जहांगीर आर्ट गैलरी कहाँ पर स्थित है? जहांगीर आर्ट गैलरी, ऑप्शन है नई दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई। ऑप्शन डी सही होगा, मुंबई। तो जहांगीर आर्ट गैलरी कहाँ पर है? मुंबई में है। प्रश्न नंबर छः देखते हैं, व्यंग चित्रकार कार्टूनिस्ट स्वर्गीय मारियो दी मिरांडा को सन 2012 में किस पुरस्कार से नवाजा गया था? पहला ऑप्शन है पद्म भूषण से, दूसरा ऑप्शन है पद्म विभूषण से, तीसरा ऑप्शन है भारत रत्न और चौथा ऑप्शन है पद्मश्री से। ऑप्शन बी सही होगा, पद्म विभूषण। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर सात, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई? पहला ऑप्शन 1854 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन 1954 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन 2001 में और चौथा ऑप्शन है 2011 में। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1954 ईस्वी में राष्ट्रीय ललित कला अकादमी की स्थापना हुई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर आठ, ओडिसी नृत्य कहाँ की है? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल। सही जवाब ऑप्शन बी, ओडिसी नृत्य जो है वो उड़ीसा की है। निम्नलिखित में प्रसिद्ध वासरी वादक कौन है? शिव कुमार, सितारा देवी, बिस्मिल्ला खां, हरिप्रसाद चौरसिया। सही जवाब ऑप्शन डी होगा, हरिप्रसाद चौरसिया एक प्रसिद्ध वासुड़ी वादक है। अगला प्रश्न है, भारत खंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ पर स्थित है? इलाहाबाद, लखनऊ, गोरखपुर या बरेली। ऑप्शन बी सही होगा, लखनऊ। भारत खंडे संगीत महाविद्यालय लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है, एलिफेंटा की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति कौन सी है? त्रिमूर्ति, हाथी की मूर्ति, विष्णु की मूर्ति, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन ए होगा, त्रिमूर्ति। तो एलिफेंटा की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति कौन सी है? त्रिमूर्ति। अगला प्रश्न देखते हैं, धूल चित्र किसे कहते हैं? धूल चित्र, पहला ऑप्शन है रंगों के चूड़ से बना चित्र, दूसरा ऑप्शन है फूलों के पंखुड़ियों से बना चित्र, तीसरा ऑप्शन है द्रव मिश्रित रंगों से बना चित्र और चौथा ऑप्शन है लकड़ी के बुरादों से बना चित्र। ऑप्शन ए सही होगा, रंगों के चूड़ से बना चित्र।
अगला प्रश्न देखते हैं, सिगरिया में कुल कितनी गुफाएं हैं? 2, 6, 8, 10। सही जवाब ऑप्शन बी होगा, 6 गुफाएं हैं सिगरिया में कुल। अगला प्रश्न देखते हैं, खजुराहो में किस धर्म से संबंधित मंदिर पाए जाते हैं? शैव धर्म से, के वैष्णव धर्म से, या जैन धर्म से, या तीनों से? ऑप्शन डी सही होगा, तीनों से, शैव, वैष्णव और जैन, ये तीनों धर्म से संबंधित मंदिर पाए जाते हैं खजुराहो में। अगला प्रश्न है, विष्णु की मूर्ति में गदा का प्रतिनिधित्व किससे किया गया है? ऑप्शन है सहचरी, दूसरा ऑप्शन है अलौकिकता, तीसरा ऑप्शन है सहचर और चौथा ऑप्शन है वाहन। ऑप्शन ए सही होगा, सहचरी। तो विष्णु की मूर्ति में गदा का प्रतिनिधित्व सहचरी से किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16, पश्चिमी भारतीय शैली के चित्रों में मानव आकृतियों की बनावट कैसी है? ऑप्शन ए गुड्डू जैसी, गुड्डू गुड़ियों जैसी, दूसरा ऑप्शन है अलंकारिक, तीसरा ऑप्शन जकड़ी हुई एवं ऐठन युक्त लोक कला जैसी, और चौथा ऑप्शन है प्रतीकात्मकता। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, गुड्डे गुड़ियों जैसी। प्रश्न नंबर 17 पे आते हैं, जैन शैली के चित्र के धरातल क्या हैं? ताड़पत्र है, कपड़ा है, कागज है, या तीनों? ऑप्शन डी सही होगा, तीनों। तो जैन शैली के चित्रों के धरातल ताड़पत्र भी है, कपड़ा भी है और कागज भी है। प्रश्न नंबर 18 पे आते हैं, यहाँ पूछा गया है, त्रिष्टिसालका पुरुष चरित के रचयिता कौन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला ऑप्शन है हेमचंद्राचार्य, दूसरा ऑप्शन है रायकृष्ण दास, तीसरा ऑप्शन आनंद कुमार स्वामी, और चौथा ऑप्शन है बुद्ध घोष। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हेमचंद्राचार्य। तो त्रिष्टिसालका पुरुष चरित के रचयिता है हेमचंद्राचार्य। प्रश्न नंबर 19 पे आते हैं, लौर चंदा के लेखक कौन है? मुल्ला दाऊद, वात्स्यायन, महावीर, नागरीदास? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मुल्ला दाऊद। तो लौर चंदा के लेखक कौन है? मुल्ला दाऊद है। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 20 पे आते हैं, मुद्रण कला में दो अक्षरों के बीच के स्थान को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है लीडिंग, दूसरा ऑप्शन है ट्रैकिंग, तीसरा ऑप्शन है कर्निंग, और चौथा ऑप्शन है लेजिबिलिटी। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, कर्निंग। प्रश्न नंबर 21 पे, मथुरा संग्रहालय में प्रदर्शित परखम यक्ष जिसका माप है 2.59 मीटर ऊंची प्रतिमा है, किस काल से संबंधित है? पहला ऑप्शन है मौर्य काल से, दूसरा ऑप्शन है सुंग काल से, तीसरा ऑप्शन है गुप्त काल, और चौथा ऑप्शन है कुषाण काल। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, मौर्य काल। तो मथुरा संग्रहालय में प्रदर्शित जो परखम यक्ष की मूर्ति है वो मौर्य काल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, स्टेक्सन कला किससे संबंधित है? यूनान से, प्राचीन मिस्र से, प्राचीन रोम से, या प्राचीन चीन से? ऑप्शन सी सही होगा, प्राचीन रोम से। प्रश्न नंबर 23 पे आते हैं, भारतीय रुपए के नवीनतम प्रतीक को निर्मित करने वाला कौन है? डी उदय कुमार है, गौतम साफ है, पंकज कुमार है, या डी रजा है? ऑप्शन ए सही होगा, डी उदय कुमार। प्रश्न नंबर 24 पे आते हैं, भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब हुई? 1556, 1450, 1630 या 1665 में? ऑप्शन यहाँ पे जो सही होगा ए, 1556 ईस्वी में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई भारत में। अगला प्रश्न देखते हैं, पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली में हुआ? पाल शैली, जैन शैली, मुगल शैली, या राजपूत शैली? सही जवाब ऑप्शन ये होगा, पाल शैली में पोथी चित्रण का प्रारंभ माना जाता है। अगला प्रश्न है, पटुआ चित्र कहाँ से संबंधित है? मधुबनी, कोटा, कालीघाट, लालघाट? तो पटुआ चित्र जो संबंधित है वो कालीघाट से संबंधित है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, बिल्कुल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 27,
सांची और भरहुत किस काल में बने? गुप्त काल, शुंग काल, कुषाण काल या मौर्य काल? सही जवाब ऑप्शन बी होगा, शुंग काल। तो सांची और भरहुत शुंग काल में बने हैं। प्रश्न नंबर 28 पे आते हैं। तीजन बाई किस रूप में प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन है पांडुनी गायिका है, दूसरा ऑप्शन है पॉप सिंगर है, तीसरा ऑप्शन अभिनेत्री है, चौथा ऑप्शन है चित्रकार। ऑप्शन ए सही होगा, पांडवानी गायिका है तीजन बाई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। गढ़ी कला केंद्र किससे संबंधित है? भारत कला भवन से, दूसरा भारत भवन से, तीसरा सांस्कृतिक केंद्र से, चौथा राष्ट्रीय कला अकादमी से। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी से। प्रश्न नंबर 30 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाह विज्ञापन कार्य का रूप है? पहला ऑप्शन है बिलबोर्ड, दूसरा ऑप्शन है बस शेल्टर, तीसरा ऑप्शन है डिंगलर और चौथा ऑप्शन है कोशक। सही जवाब ऑप्शन सी होगा, डेंगलर। अगला प्रश्न देखते हैं। अव्यंजनवाद का जन्म किस देश में हुआ? इटली में, फ्रांस में, जर्मनी में या रूस में? अव्यंजनवाद का जन्म हुआ था जर्मनी में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्राक का प्रथम घनवादी चित्र कौन सा है? पहला ऑप्शन है निर्वृत्त आकृति, दूसरा ऑप्शन है डैक्टाइल, तीसरा ऑप्शन है पंखाली स्त्री, चौथा ऑप्शन है सूर्य का रथ। ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पे, निर्वृत्त आकृति। अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वोच्चवाद का प्रमुख कलाकार कौन था? जुआन ग्रिस था, काजामीर मेलविच था, वांडरलेक था या कर्लो कारा था? सही जवाब ऑप्शन बी होगा, काजीमीर मालविच। प्रश्न नंबर 34 पे आते हैं। मानक ब्रांच में निम्नलिखित की सही मात्रा क्या होनी चाहिए? पहला ऑप्शन 90% तांबा, 7% टीन, 3% जस्ता, दूसरा ऑप्शन है 90% तांबा होगा और 10% टीन होगा, तीसरा ऑप्शन है 88% तांबा, 10% टीन, 2% जस्ता, चौथा ऑप्शन है 95% तांबा, 2% चांदी या 3% जस्ता। तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, 90% तांबा, 7% टीन और 3% जस्ता, ये मानक ब्रांच के लिए उपयुक्त होता है, ब्रांच के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 35। चिदंबरम के नटराज मंदिर में भरतनाट्यम शैली पर आधारित नृत्य कलाओं की कितनी मुद्राएं अंकित हैं? 102, 104, 106 या 108? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, 108। अगला प्रश्न देखते हैं। किसके अनुसार कला भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है? रूसो, हीगेल, क्रोचे या हर्बर्ट रीड? तो कला भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है, ये कहा था हीगेल महोदय ने। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 37। नीला अश्वरोही ब्लू राइडर नामक संस्था के संस्थापक कौन थे? पहला ऑप्शन है कांडिश्की, दूसरा ऑप्शन है कोकोसका, तीसरा ऑप्शन है पालकली और चौथा ऑप्शन है फ्रांच। सही जवाब ऑप्शन ए होगा, कांडिश्की। तो ब्लू राइडर संस्था के संस्थापक कौन थे? कांडिश्की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। नारी की आशा हत्या नामक शीर्षक से चित्र किसने बनाया? पहला ऑप्शन है कोकोशका, दूसरा ऑप्शन है किले, तीसरा ऑप्शन है मूंग और चौथा ऑप्शन है मिस कोई ने। ऑप्शन ए सही होगा, कोकोशका। नारी की आशा हत्या नामक शीर्षक से चित्र बनाने वाले हैं कोकोशका। प्रश्न नंबर 39 पे आते हैं। कुल्हाड़ी से कटा हुआ शीर्ष किसका प्रसिद्ध चित्र है? कांडिश्की का है, कृष्णर का है, मूंग का है या पालकले का है? तो कुल्हाड़ी से कटा हुआ शीर्ष ये पालकले का है प्रसिद्ध चित्र, इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, कुल्हाड़ी से कटा हुआ शीर्ष पालकले का चित्र है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 40।
इटली की आधुनिक कला का जन्म कहाँ पे हुआ? सॉरी, इटली की आधुनिक कला का जन्म हुआ भविष्यवाद से, पुनर्जागरण से, घनवाद से या फावाद से? ऑप्शन ए सही होगा, भविष्यवाद। तो इटली की आधुनिक कला का जन्म भविष्यवाद से हुआ। अगला प्रश्न है, भविष्यवाद के प्रणेता कौन थे? भविष्यवाद के प्रणेता कौन थे? पहला ऑप्शन है फिलिप्पो तोमाशो मोरिनेत्ती, दूसरा ऑप्शन है मार्सल धूसा, तीसरा ऑप्शन है मुकिसिस और चौथा ऑप्शन है शिंगो जाक। तो यहाँ पे सही जवाब जान लेते हैं, ऑप्शन ए होगा, फिलिप्पो तोमाशो मोरिनेत्ती, ये भविष्यवाद के प्रणेता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भविष्यवाद का सबसे प्रमुख सिद्धांत क्या था? भविष्यवाद का सबसे प्रमुख सिद्धांत, पहला ऑप्शन है ज्यामिति व ठोस रूप, दूसरा ऑप्शन है छाया व प्रकाश, तीसरा ऑप्शन है समय और क्षेत्र और चौथा ऑप्शन है कला के लिए कला। तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा यहाँ पे, समय व क्षेत्र। तो भविष्यवाद का सबसे प्रमुख सिद्धांत समय व क्षेत्र था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? पहला ऑप्शन है भविष्यवाद फिलिप्पो तोमाशो मोरिनेत्ती, दूसरा ऑप्शन है किरणवाद मिखाइल रैनिनोव, तीसरा ऑप्शन है सर्वोच्चवाद कासिमीर मालविच और चौथा ऑप्शन है घनवाद। तो आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी घनवाद, घनवाद की पीड़िता दिलकरा नहीं है। अगला प्रश्न देते हैं, प्रश्न नंबर 44, टेपेस्ट्री क्या है? अलंकृत पर्दा, अलंकरण युक्त हस्तशिल्प, रंग द्रव्य या बुनावट? ऑप्शन ए सही होगा, अलंकृत पर्दे। प्रश्न नंबर 45 देखते हैं, तंत्र कला के प्रणेता कौन? के सी एस पनिकर, जी आर संतोष, जे स्वामीनाथन, रविन्द्रनाथ टैगोर? ऑप्शन ए सही होगा, तंत्र कला के प्रणेता के सी एस पनिकर हैं। प्रश्न नंबर 50 पे आते हैं, सॉरी 46 पे, स्वास्थ्य एक प्रतीक है, पहला ऑप्शन है मंगल कामना का, दूसरा ऑप्शन है सौंदर्य का, तीसरा ऑप्शन है टोना टोटका का और चौथा ऑप्शन है भूत प्रेत का। सही जवाब ऑप्शन ए होगा, मंगल कामना का स्वास्थ्य एक प्रतीक है। अगला प्रश्न है, लिथोग्राफी से छापा चित्र निकाले जाते हैं? पहला ऑप्शन है सतह उत्कीर्णन करके, दूसरा ऑप्शन सतह पर रेखांकन करके, तीसरा ऑप्शन सतह को उभार करके और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी सही होगा, सतह पर रेखांकन करोगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 48, उत्कीर्णन विद नहीं है, एचिंग, काष्ठ उत्कीर्णन, एक्वाटिंट या लिथोग्राफ? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, लिथोग्राफी। अगला प्रश्न है, स्टिल लाइफ पेंटिंग स्थिर चित्रण क्या है? पहला ऑप्शन है निर्जीव वस्तुओं का चित्रण है, सजीव वस्तुओं का चित्रण है, कहानी चित्रण है या पुस्तक चित्रण है? ऑप्शन ए सही होगा, निर्जीव वस्तुओं का चित्रण। प्रश्न नंबर 50 पे आते हैं, छेपांकन पद्धति क्या होती है? पहला ऑप्शन छापा कला, रेखांकन, रंगांकन या सभी? ऑप्शन ए सही होगा, छापा कला। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 51, वर्ष 1925 ईस्वी की फिल्म प्रेम संन्यास में राजा सुदोधन की भूमिका किसने निभाई? पहला ऑप्शन है शारदा चरण वकील, दूसरा ऑप्शन है असित कुमार हलदार, तीसरा ऑप्शन है क्षितिज नाज मजूमदार और चौथा ऑप्शन है अब्दुल रहमान चुगतई। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, शारदा चरण वकील। प्रश्न नंबर 52 पे आते हैं, प्रागैतिहासिक कला का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन है आधुनिक कला की कला, दूसरा ऑप्शन है सिंधु सभ्यता की कला, तीसरा ऑप्शन है ऐतिहासिक काल से पूर्व की कला और चौथा ऑप्शन है वैदिक काल की कला। सही जवाब ऑप्शन सी होगा, ऐतिहासिक काल से पूर्व की कला को प्रागैतिहासिक कला कहते हैं। प्रश्न नंबर 53 पे आते हैं, आदिम मानव की कला किस युग से संबंधित है? जंगल युग, प्रागैतिहासिक युग, प्राचीन युग या सिंधु युग? सही जवाब ऑप्शन बी होगा, प्रागैतिहासिक युग। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 54, हाथ के छापे
उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से शिला चित्रों में मिलते हैं? बिंडम से, सरोघाट से, लखुनिया से या विजयगढ़ से? ऑप्शन बी सही होगा, सरोघाट से हाथ के छापे मिलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 55। सिंधु सभ्यता का संबंध किस काल से है? प्रागैतिहासिक काल, आद्यतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल या मौर्य काल? ऑप्शन बी सही होगा, आद्य ऐतिहासिक काल। प्रश्न नंबर देते हैं 56। घूमती हुई तस्तरियां का सृजन किसने किया? कुर्बे, धूषा, दिलकरा या गॉगिन? ऑप्शन बी सही होगा, धूषा, मार्शल धूषा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक्शन पेंटिंग्स के लिए कौन सा कलाकार प्रसिद्ध है? पालकली, मार्क रोथगो, जैक्सन पोलाक, कोकोशका? ऑप्शन सी सही होगा, जैक्सन पोलाक। प्रश्न नंबर 58 पे आते हैं, पॉप आर्ट का चित्रकार कौन था? रूशो, रुआल्ट, शागाल, एंडी वेहरोल? ऑप्शन डी सही होगा, एंडी वेहरोल। प्रश्न नंबर 59 पे आते हैं, आप कला का आरंभ किसने किया? कोकोशका, विक्टर वासरेली, तीसरा ऑप्शन है पिसारो और चौथा ऑप्शन है पिकासो। सही जवाब ऑप्शन बी होगा, विक्टर वासरेली। प्रश्न नंबर 60 पे आते हैं, ज्यामितीय कला का प्रणेता कौन था? पहला ऑप्शन है मोंद्रियान, दूसरा ऑप्शन है पिकासो, तीसरा ऑप्शन है डॉली और चौथा ऑप्शन है पाल गोग। ऑप्शन ए सही होगा, मोंद्रियान। अगला प्रश्न देखते हैं, पिक्टोग्राफी क्या है? चित्रलिपि है, गद्य काव्य है, इलस्ट्रेट है या मेजर आर्ट है? ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ए चित्रलिपि। पिक्टोग्राफी एक चित्रलिपि है। प्रश्न नंबर 62 पे आते हैं, आदिम कला, अकादमिक कला, सॉरी अकादमिक कला क्या है? पहला ऑप्शन है जिसमें नवीनता व प्रयोगशीलता का स्थान नहीं होता है, नहीं दिया जाता है। दूसरा ऑप्शन है विशेष पद्धति से की गई कला शिक्षा। तीसरा ऑप्शन है गुरु से प्रत्यक्ष प्राप्त की गई कला शिक्षा और चौथा ऑप्शन है कला विद्यालय में जाकर कला अध्ययन करना। सही जवाब ऑप्शन ए होगा, अकादमिक कला का अर्थ होता है जिसमें नवीनता व प्रयोगशीलता का स्थान नहीं दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 63। निम्नलिखित में अग्रगामी रंग कौन है? लाल, नारंगी, पीला, इनमें से सभी? अग्रगामी रंग, सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, ए सभी अग्रगामी रंग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से समिस्पष्ट रंग कौन सा है? पीला हरा, पीला नारंगी, लाल नारंगी, काला सफेद? ऑप्शन डी सही होगा, यहाँ पर काला सफेद। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 65। यूरोपीय कला का स्वर्ण युग माना जाता है? बरोक कला, बरोक काल, पुनरुत्थान काल, गोथिक काल या शास्त्रीय काल? ऑप्शन ए सही होगा, बरोक काल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 66। मोनालिसा के एक अनुकृत चित्र के मुख पर मूछें अंकित कर उसको लहूक शीर्षक दिया था, किसने दिया था? पहला ऑप्शन है डुसांप ने, दूसरा ऑप्शन है वान गॉग ने, तीसरा ऑप्शन है पिकासो ने, चौथा ऑप्शन है मातिस ने। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, डुसांप ने। अगला प्रश्न है, होकुसाई किस देश के प्रसिद्ध कलाकार हैं? भारत, चीन, जापान या अमेरिका? ऑप्शन सी होगा, जापान के। अगला प्रश्न है, दृष्ट भ्रम पर आधारित कला, पाप कला, आप कला, एक्शन पेंटिंग या सर्वोच्च कला? ऑप्शन बी सही होगा, आप कला। तो दृष्ट भ्रम पर आधारित जो कला है वो आप कला कहलाती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 69। किसके चित्रों को पाब्लो पिकासो और एलिजाबेथ द्वितीय को तोहफे के रूप में दिया गया था? ऑप्शन है
मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई, दूसरा ऑप्शन एम एफ हुसैन, तीसरा ऑप्शन राजा रवि वर्मा और चौथा ऑप्शन रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन ए सही होगा, मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई। अगला प्रश्न है, निग्रो कला का प्रभाव किस कला पर पड़ा? घनवाद, प्रभाववाद, उत्तर प्रभाववाद, यथार्थवाद। सही जवाब ऑप्शन ए होगा, घनवाद। प्रश्न 71 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन नावी कलाकार है? बी आर गोनार, मेरिस धोनी या तीनों? ऑप्शन डी सही होगा, ये तीनों। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध स्टोन रिलीफ यच्छी चंद्रा किस स्थान से संबंधित है? सांची, भरहुत, अमरावती या उदयगिर? ऑप्शन बी सही होगा, भरहुत। अगला प्रश्न है, वेजेंटाइन कला में सर्वोत्कृष्ट दर्ज की पिचकारी हुई? ऑप्शन है जस्टिन के शासनकाल में, दूसरा ऑप्शन है लियो प्रथम के शासनकाल में, तीसरा ऑप्शन है लियो तृतीय के शासनकाल में और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए सही होगा, जस्टिनियन के शासनकाल में। अगला प्रश्न देखते हैं, पिचकारी में चित्र बनाया जाता है रंगीन कांच, रंगीन पत्थर से, कांच के टुकड़ों से, मार्बल के टुकड़ों से, इनमें से सभी से? ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी से, रंगीन पत्थर से, कांच के टुकड़ों से, मार्बल के टुकड़ों से। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से एक इच्छात्मक है? ऑप्शन है देवगढ़ का विष्णु मंदिर, दूसरा ऑप्शन है भीतर गांव का ईट मंदिर, तीसरा ऑप्शन है एलोरा का कैलाश मंदिर और चौथा ऑप्शन है दिल्ली का लक्ष्मी नारायण मंदिर। ऑप्शन सी सही होगा, एलोरा का कैलाश मंदिर। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, 76 नंबर, सीढ़ियों से उतरी उतरती हुई नग्न आकृति का चित्रांकन किसने किया? तेगा ने, सुलाडो डाली ने, मार्शल धूसा ने या मातिस ने? सही जवाब ऑप्शन सी होगा, मार्शल धूसा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 77, मोतांज पद्धति का आविष्कारक कौन था? पहला ऑप्शन है मार्स अनसर्ट, दूसरा ऑप्शन है विलियम ब्लेक और तीसरा ऑप्शन है देगा और चौथा ऑप्शन है धूसा। ऑप्शन ए सही होगा, मार्स अनस्ट। प्रश्न नंबर 78 देखते हैं, चंचल शिल्प के लिए प्रसिद्ध था क्लॉडेर, धूसा, मोने या पिसारो? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन क्लॉडेर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 79, मिनिएचर पेंटिंग क्या है? लघु चित्र है, कैनवास चित्र है, व्यक्ति चित्र है या अखिट चित्र है? ऑप्शन ए सही होगा, लघु चित्र। अगला प्रश्न है, दृश्य चित्र में प्रकाश का प्रभाव चित्रण करने वाला प्रथम कलाकार कौन था? पहला ऑप्शन है कारावाज्जो, दूसरा ऑप्शन है लियोनार्डो दा विंसी, तीसरा ऑप्शन रूबेंस और चौथा ऑप्शन है टर्नर। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कारावाज्जो। प्रश्न 81 पे आते हैं, मूर्तिकार राम छाटपार किसके लिए प्रसिद्ध है? काष्ट मूर्तिकला, धातु ढलाई, प्रस्तर उत्कीर्णन या नव मीडिया? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, प्रस्तर उत्कीर्णन के लिए मूर्तिकार राम छाटपार प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 82, बोहोश कला संस्था कब स्थापित हुई थी? पहला ऑप्शन है 1919 जर्मनी में, दूसरा ऑप्शन 1950 इटली में, तीसरा ऑप्शन 1940 फ्रांस में और चौथा ऑप्शन है 1920 पेरिस में। तो बोहोश कला संस्था जो स्थापित हुई थी 1919 जर्मनी में, इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्लू राइडर क्या है? पहला ऑप्शन है म्यूनिक में कांडिश्की द्वारा स्थापित कलाकार मंडल, दूसरा ऑप्शन रंग की आच्छादक शक्ति, तीसरा ऑप्शन है पुराने वार्निश किए हुए तैलचित्र और चौथा ऑप्शन है नव विचारों के प्रसार हेतु वार्षिक पत्रिका। ऑप्शन ए सही होगा, म्यूनिक में कांडिश्की द्वारा स्थापित कलाकार मंडल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 84, बॉडी कलर होता है, पहला ऑप्शन है सफ़ेद रंग
मिला गाढ़ा रंग, दूसरा ऑप्शन है काला रंग मिला गाढ़ा रंग, तीसरा ऑप्शन है नीला व काला रंग मिला गाढ़ा रंग, और चौथा ऑप्शन है भूरा रंग मिश्रित गाढ़ा रंग। ऑप्शन ए सही होगा, सफ़ेद रंग मिला गाढ़ा रंग बॉडी कलर कहलाता है। प्रश्न नंबर 85, कॉफ़ी की चक्की शीर्षक से चित्र किसने बनाया, ब्राक ने, धूसा ने, बिचिल्ली ने, एम या रेम्ब्रा ने। तो कॉफ़ी की चक्की बनाने वाले हैं मार्सल धूसा, ये शीर्षक से चित्र, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, फ्रेस्को बूनो क्या है। पहला ऑप्शन है गीले पत्थर में किया गया भित्ति चित्रण, दूसरा ऑप्शन है सूखे पलस्तर में किया गया भित्ति चित्रण, तीसरा ऑप्शन है तेल रंगों की सहायता से कैनवास पर किया गया चित्रण, और चौथा ऑप्शन है एक्रोलिक से किया गया चित्रण। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, गीले पलस्तर में किया गया भित्ति चित्रण, फ्रेस्को बूनो कहलाता है। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन ईसाई कला के नमूने पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है इटली के अंत भौर्म समाधि स्थलों की दीवारों पर, दूसरा ऑप्शन इटली के राजप्रसादों के द्वारों पर, तीसरा ऑप्शन है वर्तन भांडों व गुलदस्तों पर, चौथा ऑप्शन है गिरजाघरों की दीवारों पर। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन ए होगा, इटली के अंतर्भौम समाधि स्थानों की दीवारों पर। प्रश्न नंबर 88 पे आते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्रों का मुख्य विषय क्या है, नारी, घोड़े, पक्षी, जनजाति। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन होगा ए, नारी। अगला प्रश्न है, कोलाज क्या होता है। पहला ऑप्शन है कागज इत्यादि को चित्र भूमि पर चिपकाकर बनाई गई कलाकृति, दूसरा ऑप्शन है खाने के पैकेट व शीशियों से बनाई गई कलाकृति, तीसरा ऑप्शन है चमड़े पर रेखांकन करके बनाई गई कलाकृति, और चौथा ऑप्शन कोयला व लाज वर्दी से बनाई गई कलाकृति। ऑप्शन ए सही होगा, यहाँ पे कागज इत्यादि को चित्र भूमि पर चिपकाकर बनाई गई कलाकृति कोलाज कहलाती है। अगला प्रश्न है, इनकास्टिंग क्या है। पहला ऑप्शन है मोम में रंग मिलाकर रंगांकन पद्धत, दूसरा ऑप्शन है तैल रंग में बुरादा मिलाकर की गई चित्रकारी, तीसरा ऑप्शन है भूमि से प्राप्त रंगों में मार्बल के साथ चित्रकारी, और चौथा ऑप्शन है फूल पत्तियों के साथ की गई चित्रकारी। ऑप्शन ए सही होगा, मोम में रंग मिलाकर किया गया रंगांकन पद्धति। अगला प्रश्न है, वस्त्र चित्रण किन रंगों में से किया जाता है, तैल रंगों से, जल रंगों से, एक्रोलिक रंगों से या टेम्परा रंगों से। ऑप्शन सी सही होगा, एक्रोलिक रंगों से। अगला प्रश्न है, ब्रह्मचारियों द्वारा वधु का निर्वस्त्र करना नामक प्रसिद्ध कृत किसका है। पहला ऑप्शन है मार्सल धूसा, दूसरा ऑप्शन है पाल सेजान, तीसरा ऑप्शन है सोरा, और चौथा ऑप्शन है पिकासो। सही जवाब ऑप्शन ए होगा, मार्सल धूसा। तो ब्रह्मचारियों द्वारा वधु का निर्वस्त्र करना ये प्रसिद्ध कृत है मार्सल धूसा का। प्रश्न नंबर 93 पे आते हैं, इंटैंको क्या है। पहला ऑप्शन है दीवारों पर चढ़ाई पलस्तर की अंतिम परत, दूसरा ऑप्शन है चित्रण निर्माण का अंतिम रेखांकन, तीसरा ऑप्शन है गीले पलस्तर पर रंगांकन करने की पद्धत, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, दीवारों पर चढ़ाई पलस्तर की अंतिम परत। प्रश्न है प्रश्न नंबर 94, वुडकट तकनीक कौन सी कला के अंतर्गत आती है। पहला ऑप्शन है चित्रकला, छापा कला, पुष्प संयोजन या पॉटरी। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, छापा कला। तो वुडकट तकनीक छापा कला के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उष्ण वर्ण कौन से हैं, लाल, नारंगी, पीला, हरा। तो गर्म रंग कौन से हैं, कौन से नहीं हैं। तो सही जवाब ऑप्शन डी होगा, हरा। हरा रंग यहाँ गर्म रंग नहीं है। अगला प्रश्न है, टोपोग्राफी क्या है, स्थलाकृति है, छटा है, आधुनिक चित्रक है या रूपांतरण। तो सही जवाब यहाँ होगा ऑप्शन ए, स्थलाकृति। अगला प्रश्न देखते हैं, ट्रेसिंग पेपर क्या होता है। पहला ऑप्शन है चित्र की अनुकृत उतारने का कागज, दूसरा ऑप्शन है परंपरागत कला में प्रयोग करने वाला कागज, तीसरा ऑप्शन है पारभाषी चित्रण, और चौथा ऑप्शन है चित्र में चमक बढ़ाने वाला कागज।
यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन ए होगा, चित्र की अनुकृत उतारने का कागज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 98। तान कहलाती है, पहला ऑप्शन है रंग का हल्का व गहरापन, दूसरा ऑप्शन है गाढ़े रंग की चित्रण, तीसरा ऑप्शन है तान छोड़ना, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, रंग का हल्का व गहरापन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 99। सबसे प्राचीन मकबरा चित्र कहाँ अंकित है? पहला ऑप्शन मिस्र के हेराकोपोलिस मकबरे में, दूसरा ऑप्शन भारत के हिमाऊ मकबरे में, तीसरा ऑप्शन है इटली प्रदेश के एटुस्कन मकबरे में, और चौथा ऑप्शन है मेसोपोटामिया के कुश्तुनिया मकबरे में। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, मिस्र के हेराकोपोलिस मकबरे में। अगला प्रश्न देखते हैं, टेराकोटा क्या है? पहला ऑप्शन है मृणमूर्ति पक्की मिट्टी, दूसरा ऑप्शन है चीनी मिट्टी, तीसरा ऑप्शन है काली मिट्टी, और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। सही जवाब ऑप्शन ए होगा, मृणमूर्ति पक्की मिट्टी। अगला प्रश्न है, बंगाल का वांकुरा किस लिए प्रसिद्ध है? पटचित्रों के लिए, टेराकोटा मंदिर के लिए, ब्लैक पॉटरी के लिए, रेशमी कपड़ों के लिए। सही जवाब ऑप्शन बी होगा, टेराकोटा मंदिर के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रुप 1890 की स्थापना किस वर्ष हुई? 1890 की स्थापना किस वर्ष हुई? पहला ऑप्शन है 1961, दूसरा ऑप्शन है 1967, तीसरा ऑप्शन है 1963, और चौथा ऑप्शन है 1962। तो ग्रुप 1890 की स्थापना जो हुई थी वो 1963 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एमएफ हुसैन के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई? ज्यूरिख में, पेरिस में, नई दिल्ली में या लंदन में? ऑप्शन ए सही होगा, ज्यूरिख में। एमएफ हुसैन के चित्रों की पहली प्रदर्शनी ज्यूरिख में आयोजित की गई। अगला प्रश्न है, अजंता की 16वीं गुफा में सबसे भव्य चित्र कौन सा है? पहला ऑप्शन है हस्तजातक, दूसरा ऑप्शन श्रावस्ती का चमत्कार, तीसरा ऑप्शन सुजाता का खीर, और चौथा ऑप्शन है बुद्ध उपदेश। सही जवाब ऑप्शन डी होगा, बुद्ध का उपदेश। ये 16वीं गुफा का सबसे भव्य चित्र है। अगला प्रश्न है, लास्को की प्रागैतिहासिक गुफाओं की खोज किस वर्ष हुई? 1940, 1950, 1978, 1979। सही जवाब ऑप्शन ए होगा, 1940 ईस्वी। प्रश्न नंबर 106, प्रथम चित्रकार जिन्होंने यूरोपीय तकनीक में भारतीय पौराणिक विषयों का चित्रण किया? राजा रवि वर्मा, अविंद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, डी पी राय चौधरी। ऑप्शन ए सही होगा, राजा रवि वर्मा। प्रश्न नंबर 107 पे आते हैं, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कब हुई? 1905 में, 1908 में, 1907 में, 1909 में? ऑप्शन सी सही होगा, 1907 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना हुई। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 108, स्पीकिंग स्ट्रीट किसकी रचना है? नागजी पटेल, अंजलि इला मेनन, गुलाम मोहम्मद शेख या अमृता शेरगिल? ऑप्शन सी सही होगा, गुलाम मोहम्मद शेख। अगला प्रश्न है, फ्रांको कैंटावेरियन क्षेत्र किससे संबंधित है? धार्मिक कर्मकांड, प्रागैतिहासिक कला, आदिम गीत, मध्यकालीन कला? ऑप्शन बी सही होगा, प्रागैतिहासिक कला। अगला प्रश्न है, हाथों के छाप सबसे अधिक किस गुफा में अंकित है? मार्ले, गरगास, लास्को या नियो? सही जवाब ऑप्शन बी होगा, गरगास। तो गरगास में हाथों के छाप के सबसे अधिक चित्र मिले हुए हैं। अगला प्रश्न है, कृष्ण विद डांसिंग काउच किसकी रचना है? पहला ऑप्शन है ज्योति स्वरूप, दूसरा ऑप्शन देवयानी, तीसरा ऑप्शन है परमजीत सिंह, और चौथा ऑप्शन है मंजीत बाबा। तो कृष्ण विद डांसिंग काउच है मंजीत बाबा की, ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 112, प्राचीनतम प्रागैतिहासिक चित्र किस प्रकार बनाए गए हैं? रंगों को सपाट भर के, गीली दीवार पर अंगुलियों से, चाक से रेखांकन करके, गेरू को चर्बी में मिलाकर? सही जवाब ऑप्शन बी होगा, गीली दीवारों पर अंगुलियों से। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 113, मिस्र की कला की प्रधान विषय वस्तु क्या है?
लौकिक जीवन, मरणोपरांत जीवन, सौंदर्यपूर्ण जीवन, साधु संतों का जीवन। ऑप्शन बी सही होगा, मरणोपरांत जीवन। अगला प्रश्न है, स्फिंक्स क्या है? भवन है, मूर्ति है, वास्तु मूर्ति है या स्मारक है? ऑप्शन सी सही होगा, वास्तु मूर्ति। अगला प्रश्न देखते हैं, मेसोपोटामिया का वह कौन सा स्थान प्राचीन नगर कला के लिए विशेष प्रसिद्ध हुआ था? बेबलोन, उर, लागाश या सूसा? ऑप्शन बी सही होगा, उर। अगला प्रश्न देखते हैं, मेसोपोटामिया के झूलते हुए बाग कहां पर बने? लागाश में, एर्दू में, केल्डिया में या बेबीलोन में? ऑप्शन डी सही होगा, बेबीलोन। अगला प्रश्न है, करबला सिविलाइजेशन सीरीज किसने बनाया? पहला ऑप्शन है एम ए भूषण, दूसरा ऑप्शन है ए रामचंद्रन और तीसरा ऑप्शन है राघव कनेरिया और चौथा ऑप्शन है रवि वर्मा। सही जवाब ऑप्शन ए होगा, एम ए भूषण ने करबला सिविलाइजेशन सीरीज बनाई है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 118, निम्नलिखित में से कौन मूर्तिकार नहीं है? देवी प्रसाद राय चौधरी, रामकिंकर बैज, मृणाली मुखर्जी, बी सी सान्याल। तो यहाँ पे मूर्तिकार नहीं है बी सी सान्याल जी, ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पी आर दरोज का मनचाहा माध्यम कौन सा है? पहला ऑप्शन है काष्ठ, दूसरा ऑप्शन है प्रस्तर, तीसरा ऑप्शन है कागज की लुगदी और चौथा ऑप्शन है मृतिका सिरेमिक। सही जवाब ऑप्शन डी होगा, मृतिका सिरेमिक पी आर दरोज का मनचाहा माध्यम है। अगला प्रश्न है, अविंद्रनाथ ने किस कलाकृति को मास्टरपीस का दर्जा मिला? अविंद्रनाथ के किस कलाकृति को मास्टरपीस का दर्जा मिला? पहला ऑप्शन है शाहजहां इन हिज डेथ बेड, दूसरा ऑप्शन है राधा का अविष्कार, तीसरा ऑप्शन अरेबियन नाइट श्रृंखला, चौथा ऑप्शन है लास्ट जर्नी। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, शाहजहां इन हिज डेथ बेड। प्रश्न नंबर 121 अब आते हैं, भारत में विकसित होने वाला प्रथम नगरीय सभ्यता कौन सी थी? हड़प्पा सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, मिस्र सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन ए होगा, हड़प्पा की सभ्यता। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से छापाकार कौन है? रीनी धुमाल, विलास शिंदे, तपन घोष, उपरोक्त सभी। तो ये सभी छापाकार हैं, ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? वाल्मीकि, सच्चिदानंद, पाणिनि या वेदव्यास? तो अष्टाध्यायी के रचनाकार है पाणिनि, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। प्रश्न नंबर 125 पे आते हैं, रामायण में सीता की स्वर्ण प्रतिमा का निर्माण का उल्लेख है, यह प्रतिमा किसने बनाई थी? ऑप्शन है मैनामक शिल्पी ने, असुर ने, नट ने या रूपलेखा ने? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मैनामक शिल्पी ने रामायण में सीता की स्वर्ण प्रतिमा बनाई थी। तो यहाँ पे 125 प्रश्न आपके पूरे होते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और मित्रों आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक लोगों को, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में ऐसे प्रैक्टिस सेट के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।